हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सॉल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो अभी तक हम लोग 3000 एमसीक्यूज की जनरल साइंस की सीरीज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर मैथ्स की भी डिमांड थी कि मैथमेटिक्स का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाया जाए। तो यहाँ पर जो आपका आरआरबी एलपी टेक्नीशियन का 2018 में पेपर हुआ था, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं। यहाँ पर पहले वाले पार्ट में हम लोग 9 अगस्त 2018 को जो शिफ्ट 2 में पेपर हुआ था उसको सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके जितने भी शिफ्ट के पेपर हैं उनको धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि इनका लेवल कैसा था, क्या अभी हमारी तैयारी उतनी है जिससे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आप इन पेपर्स को देख चुके होंगे तो कोई बात नहीं है, बट अगर जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व नहीं किया है तो एटलीस्ट उनको लेवल देख लेना चाहिए कि पहले के जो पेपर पूछे गए थे आरआरबी के द्वारा उनका लेवल कैसा था। ठीक है, तो चलिए फिर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग सीधे मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो इस शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन आपसे मैथमेटिक्स का पूछा गया था वो आपके सामने है, और ये क्वेश्चंस रैंडमली पूछे गए थे, इस वजह से क्वेश्चन नंबर 3 पर है कि विच ऑफ द फ्रैक्शंस गिवन बिलो व्हेन एडेड टू 5/8 गिव्स 1। सो नीचे दिए गए जो भिन्न है इनमें से किसमें 5/8 जोड़ने पर 1 बन जाता है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जिसको तीसरी चौथी क्लास का जो बच्चा है वो भी सॉल्व कर ले कि इसमें से किस फ्रैक्शन में हम 5/8 जोड़ दें तो ये 1 बन जाए। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा सिंपली 1-5/8 यानी कि 3/8। हालांकि ये 3/8 कहीं ऑप्शन में था नहीं, तो इन्होंने सोचा इतना आसान क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट किया जाए, तो 2 का गुणा करके बस सिंपली आपको दे दिया कि 6/16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी इतना ज्यादा चैलेंजिंग था नहीं, तो आई थिंक कि ये सारे स्टूडेंट इसको करेक्ट करके ही आए होंगे। तो पहला क्वेश्चन काफी ईजी है, इसको इजी कैटेगरी में रखते हैं, बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि अ सम ऑफ मनी वॉज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 7.5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 4 ईयर्स। इफ द इन्वेस्टमेंट वॉज फॉर 5 ईयर्स द इंटरेस्ट अर्न्ड वुड हैव बीन 375 मोर। व्हाट वॉज इनिशियल सम इन्वेस्टेड। तो देखिए आपका ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको ये क्वेश्चन लग रहा है, बट मैं हमेशा जो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन होते हैं इनको मैं परसेंटेज के नजरिए से देखता हूँ कि ये और कुछ नहीं बल्कि परसेंटेज का नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, यानी इनका एप्लीकेशन है। तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला पढ़ते हो PRT/100 सिंपली इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट ऐसा करके, और कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो ये फार्मूला मत आप पढ़ा करो। ये मैं पहली बार और आखिरी बार लिख रहा हूँ, आई होप कि आप भी इसको पहली और आखिरी बार देख रहे हो। बिना फार्मूला के आप सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ के देखिए, आप आसानी से क्वेश्चंस को कर लोगे परसेंटेज जैसे आप करते हो। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कोई धनराशि है या मनी है, उसको 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, यानी इन्वेस्ट किया जाता है। अगर मैं आपसे कहूँ कोई मनी है जैसे 1000 रुपये है, इसको आप 10% के सिंपल इंटरेस्ट से पर एनम इन्वेस्ट करते हो, तो साल के एंड में आपको ये कितने रुपए देगा? तो साल के अंत में ये 1000 का 10% यानी 100 रुपए देगा इंटरेस्ट। अब ये चीज अगर आप 4 साल के लिए करते हो तो 4 का गुणा करो यानी 400 रुपए आपको इंटरेस्ट के तौर पे मिलेगा। 5 साल के लिए करते हो तो 500 रुपए मिलेगा। बस यही तो करना है आपको। तो यहाँ पर सिंपली एक कोई भी रैंडमली एक मनी है आपका, वो एक्स मान लेते हैं, जिसको 7.5, ठीक है, 7.5% के सिंपल इंटरेस्ट पर एनम जो कि है आपका 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया, तो साल के एंड में ये आपको कितना देगा? इस मनी का 7.5% यानी कितना, और 4 साल के लिए है तो ये 4 का गुणा आपने कर दिया, इतना आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है वैल्यू। अब लेकिन कह रहा है आगे, इफ दिस इन्वेस्टमेंट वॉज फॉर 5 ईयर्स, अगर ये इन्वेस्टमेंट 5 साल के लिए हो जाए, जो ये इन्वेस्टमेंट यानी 7.5% का इसी मनी पे जो एक्स है आपका, ये आपका हो जाए 5 साल के लिए, तो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो तो आपको यही मिलेगा जो 7.5% है, लेकिन ये 5 साल के लिए तो 5 का गुणा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 का गुणा हो गया था, तो आप देखे थे यहाँ पर जो 500 या 400 से 100 अधिक था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है जो ये आपका अर्न्ड मनी है वो 375 रुपये अधिक है जो आपने अर्न किया था पहले, आपने पहले ये अर्न किया था, इससे ये 375 रुपये अधिक है। तो बस यही हमारा आंसर है, मतलब आपको बस ये लाइन लिखना था। ये तो ऊपर मैंने इतना केवल समझाने के लिए लिखा जो कि आपका टाइम ले लिया, अदरवाइज आप केवल इतना लिखते और आपका आंसर आ जाता। इसमें सिंपली आपको ये एक्स बता देना है कितना है, ये एक्स कितना आएगा, 4×5=20, 4×28=30, यानी 30x हो जाएगा आपका, बटे 100 यहाँ पर, प्लस 375 आपका है नीचे यहाँ पर, और ये आपका 5×25 और 5×7=35, 2×37 0.5x/100, ये 100 से 100 कट जाएगा, हालांकि 100 का यहाँ पर गुणा करना ना भूलिएगा। तो और ये 37 और 30 उधर जाकर के घट जाएगा, तो ये 7.5x हो जाएगा इज इक्वल्स टू, इसका गुणा करोगे तो ये 3, 7, 5 में 2 0 और जुड़ जाएगा, और ये आपका सिंपली x इज इक्वल्स टू 5000 आ जाएगा। सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको, ये कहीं भी फार्मूला आपको नहीं यूज करना, हालांकि इंटरनली हमने यहाँ पर इस फार्मूले का यूज कर लिया है, लेकिन हमको ये सोचना नहीं है कि ये फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, अदरवाइज आप फंसोगे आगे चल करके। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया।
आगे देखिए क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग, तो कितना आसान क्वेश्चन है, सिंपली हमको जोड़ना घटाना है यहाँ पर, आपको सिंपली बॉड मास का ध्यान रखना है, साथ ही साथ प्लस और माइनस का आप ध्यान रखिएगा, कहीं गलती आप मत कर दीजिएगा इस, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये भी क्वेश्चन आपको चौथी पांचवीं जो क्लास के बच्चे हैं वो सॉल्व करके दे देंगे, तो इसको भी हम स्किप करते हैं, ये जी क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, द सर्फेस एरियाज ऑफ थ्री फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड शेयरिंग अ वर्टेक्स आर 20 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर, 40 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। ये आपको फिगर नहीं दिया था एग्जाम में, ये मैंने डायरेक्टली आंसर की जो पूछा जाता है, सॉरी आंसर की जो दिया जाता है वहीं से उठा लिया है मैंने क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि इसमें टाइप करना था, काफी सारे सिंबल्स ऐसे अंडर रूट वगैरह आते तो जो काफी प्रॉब्लम देता है, इस वजह से मैंने डायरेक्टली वहीं से उठा लिया है। आई होप कि आपको ये ठीक ठाक दिख रहा होगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम चाहिए, अब क्यूबॉइड क्या होता है अगर ये आपको पता है तो आसान हो गया आपके लिए क्वेश्चन, मतलब ये भी इजी क्वेश्चन के कैटेगरी में है। जो आप लूडो खेलते हो उसमें जो पासा होता है ना वो आपका क्या होता है, क्यूब होता है, चारों तरफ से मतलब बराबर होता है। इनमें जो क्यूब होता है देखिए 8 वर्टेक्सेस होते हैं जो कोने कोने वाले हैं, और 6 फेसेस होते हैं जो आपको 1 2 3 4 5 6 जो दिखता है ना पासा में, और 12 एजेस होते हैं। लेकिन ये जो एजेस होते हैं ना इनकी जो लेंथ होती है ये सेम होती है, अगर ये ए है तो ये भी ए और ये भी ए, बाकी सारे ए हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो क्यूबॉइड होता है जिसको हम घनाभ कहते हैं हिंदी में, इसके जो एजेस का लेंथ होता है ये जो लेंथ है वो सेम नहीं रह जाता है, बाकी सारी चीजें सेम है। ये अगर ए है तो ये बी होगा, ये सी होगा, तो इसको हम कहेंगे ये घनाभ है। और इनके जो सर्फेसेस हैं, ये जो सर्फेस दिख रहा है इसमें तो जो सर्फेसेस है वो स्क्वायर हैं, लेकिन इसमें जो सर्फेसेस है वो क्या है, रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है कि ये जो लेंथ है और ये जो ब्रेथ है, ठीक है, आप किसी को भी लेंथ या ब्रेथ मानो तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी ए इंटू बी इसका एरिया हो जाएगा। और वहीं हमको इन सतहों का क्षेत्रफल दिया गया है वो 20 मीटर 32 और 40 मीटर स्क्वायर, वो कोई भी हो सकता है, पर्टिकुलर यहाँ पर स्पेशली गिवन नहीं है कि किसका है। तो तीन ही फेस दिख रहे हैं, इनमें तीनों के मान लेते हैं ये 20 मीटर स्क्वायर है, ये 32 और ये 40 मीटर स्क्वायर, ये सरफेस एरिया गिवन है। तो हमको वॉल्यूम पता करना है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हमारा होता है सिंपली इस क्यूब का ये ए और बी इंटू सी जो एजेस है उनका मल्टीप्लीकेशन, ये वॉल्यूम होता है। अब वहीं पर ये देखिए यहाँ पर तो सारे एजेस सेम है तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो ए इंटू ए यानी ए क्यूब हो जाएगा, बस ये जिसको पता था तो उसके लिए तो ये महा इजी सवाल था। अब इसमें हमको ये एरिया सरफेस एरिया पता है यानी ए इंटू बी पता है कितना है 40, फिर ये बी इंटू सी यानी कि ये जो रेक्टेंगल ऊपर बन रहा है वो पता है हमको कितना है 32, और सी इंटू ए पता है हमको यानी ये वाला 20। तो अगर हम इन तीनों को गुणा कर देते हैं एक साथ तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, और ये 40 32 20 इस क्वेश्चन में कुछ रही नहीं गया, हमको तो केवल ए बी सी निकालना है, दोनों साइड का अंडर रूट ले लेंगे, ए बी सी हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 160 आ जाएगा, मीटर क्यूब में आएगा इसका जो यूनिट होता है। सो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बस ये था कि क्यूब और क्यूबॉइड आपको पता होना चाहिए, उसका वॉल्यूम क्या होता है। आगे है कि 3/5 ऑफ माई करंट एज इज सेम एज 5/6 ऑफ दैट ऑफ वन ऑफ माई कजिन, माई एज 10 ईयर्स अगो विल बी हिज एज ऑफ हिज एज 4 ईयर्स हेंस माई करंट एज इज डैश ईयर। देखिए अगर ज्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इसमें हिंदी में चले जाइए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आप में से ऐसे हैं जो मेरे ही जैसे होंगे जिनको कहीं कहीं पर इंग्लिश अच्छा से समझ में आता है, कहीं कहीं पर हिंदी अच्छा से समझ में आता है। जैसे इस क्वेश्चन में कि मेरी वर्तमान आयु का 3/5 उतना ही है, अब मेरी वर्तमान आयु को मैं अगर एक्स मान लूँ तो मेरे वर्तमान आयु का 3/5 हिस्सा है वो उतना ही है जितना मेरे चचेरे भाई में से एक की आयु का 5/6 हिस्सा है। यानी अगर मैं अपने चचेरे भाई में से एक की आयु मान लूँ वाई, तो उसका 5/6 हिस्सा मेरी वर्तमान आयु के 3/5 हिस्सा है। अब आगे कह रहा है कि मेरी 10 साल पहले आयु, मेरी 10 साल पहले आयु कितनी होगी, अभी तो x है तो 10 साल पहले x माइनस 10 होगी, वो उतना ही है जो कि उनकी आज से 4 साल बाद की होगी, यानी y की 4 साल बाद जो एज होगी अभी मेरी वो 10 साल पहले की एज अगर हम करें तो वो बराबर है, ठीक है। यानी कि मेरे वर्तमान आयु का जो 10 साल पहले एज था वो, और अभी जो मेरे चचेरे भाई हैं उनमें से जो एक है उसकी वर्तमान आयु जो 4 साल बाद होगी वो बराबर है। तो दो इक्वेशन तो आपको मिल गया, दो वेरिएबल है तो इसको कौन नहीं सॉल्व कर लेगा, तो कितना आसान हो गया ये, सिंपली वाई की वैल्यू हमको पुट करनी क्योंकि हमको वर्तमान आयु मेरी चाहिए यानी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से आप वाई देख लो क्या आएगा, इस 5/6 को अगर आप इधर लेकर के जाओगे तो ये 6 3 18 और 5/25 यानी 18/25 और ये आपका हो जाएगा एक्स। तो इस वाई की जगह आप रख दो, सो एक्स और एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू सिंपली 18/25 एक्स प्लस 4। अब ये अगर इधर आएगा तो 25x और 18 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 7x/25 और इज इक्वल्स टू ये 10 अगर इधर आएगा तो 14 हो जाएगा, 7 2 14 और 25 2 50 यानी x की वैल्यू 50 ईयर्स, ठीक है। सो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेप बाय स्टेप चलना था, बाकी इसमें कहीं भी कोई मुश्किल आता हुआ तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अभी तक तो जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं वो इजी कैटेगरी में ही दिख रहे हैं।
अगला क्वेश्चन जो है ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखिए। अब इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा कि विदाउट फॉर्मूला आप इसको कर लोगे, लेकिन इसमें भी वही है कि आपको बेसिक पता होना चाहिए। जैसे जब भी कॉस और कॉट है या टेन और सेक है, तो टेन और कॉट देखिए भाई भाई होते हैं, यानी वन प्लस जो टेन स्क्वायर थीटा होता है तो ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, और वहीं पर अगर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर हमको कोसेक स्क्वायर थीटा और कोसेक फोर थीटा ऐसा कुछ दिया है, इसका वैल्यू पता करना है। तो हमको यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा दिख रहा है, तो क्यों ना इस कोसेक के पावर फोर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा में बदल दिया जाए। देखिए मैं इस कोसेक के पावर इसको फोर थीटा को मैं यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ, ताकि ये आ जाए कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या बचेगा यहाँ पर, ये कोसेक स्क्वायर थीटा है तो वन, ठीक है मैं इसके बराबर ये लिख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा का तो डायरेक्ट फार्मूला लिखा गया है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, इस चीज को हम ये लिख सकते हैं, तो क्यों ना इसी चीज को हम नीचे यहाँ पर ये लिख दें, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमको कॉट में वैल्यू चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको पता है, और ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इस वन को आप उड़ा करके इस साइड ले आओ ऐसे माइनस वन, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये जो हमारा आएगा वो किसके बराबर आ रहा है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा को जब आप मल्टीप्लाई ये सॉल्व करोगे तो इसका गुणा एक से होगा, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा दे देगा, तो इसका गुणा कॉट स्क्वायर थीटा से होगा, तो ये आपको कॉट के पावर फोर थीटा दे देगा, ठीक है, और ये प्लस बीच में आ जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट के पावर फोर थीटा हमको दिख रहा है, ये तीन दिया हुआ है, तो यही हमारा इसके बराबर भी हो जाएगा तीन, ठीक है, सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम यहाँ से चले थे यहाँ पर आ गए और इसकी वैल्यू हमको पता है तीन, यानी कि ये दोनों बराबर थे आपस में, इसकी वैल्यू तीन है तो इसकी भी वैल्यू तीन होगा, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि किसी कंप्यूटर गेम में देखिए एक बिल्डर 10 घंटे में दीवार बना सकता है, जबकि एक विध्वंसक है जो 14 घंटे में पूरी तरह से इस दीवार को ध्वस्त कर सकता है। जमीनी स्तर पर दोनों बिल्डर और विध्वंसक एक साथ काम करने लग गए, लेकिन 7 घंटे बाद विध्वंसक को बाहर निकाल दिया गया। दीवार का निर्माण करने के लिए कुल कितना समय घंटे में लगा, ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का। अब इन सब क्वेश्चंस में आपको सिंपली दो चीजें क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी चीज की इफिशियंसी क्या है। इफिशियंसी होता है वर्क अपॉन टाइम। आप सोच रहे हो ये क्या मैं लिख रहा हूँ फार्मूला, अभी तो मैं फार्मूला का विरोध कर रहा था। एक्चुअली क्या है कि जो वर्क अपॉन टाइम मैं लिख रहा हूँ इसका बहुत ज्यादा यूज है इफिशियंसी का, आप देखेंगे आगे कैसे। अगर किसी कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर है उसको मैं ए मान लूं जो कि 10 घंटे में दीवार को बना सकता है, ठीक है 10 आवर्स, और दूसरा है बी जो कि 14 घंटे में इसको विध्वंस कर सकता है। अगर मैं मान लूं कि जो दीवार बनाना है वो 10 घंटे में 10 यूनिट बना रहा है, ठीक है 10 यूनिट, या आप कुछ भी ले सकते हो, आप अपने आसान आपको जो लगे वो ले सकते हो, ठीक है कि इजी आपके लिए पड़े, मैं 10 यूनिट ले रहा हूं, उसके पीछे का मैं रीजन बताऊंगा, या आप कुछ भी ले सकते हो, एक यूनिट ले सकते हो या इनका एलसीएम ले सकते हो। अब देखिए 10 यूनिट ले रहे हैं तो 10 यूनिट 10 घंटे में, यानी कि एक यूनिट एक घंटे में ये बना रहा है, तो यही इसकी इफिशियंसी है, ये वर्क है और ये टाइम है, यही तो इफिशियंसी है, ये एक यूनिट एक घंटे में ये बना दे रहा है। और जो विध्वंसक है 14 घंटे में 10 यूनिट को विध्वंस भी कर दे रहा है, यानी इसकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 10 यूनिट को 14 घंटे में, टाइम हमेशा नीचे रहता है, 14 घंटे में ये इसको डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, ठीक है 10 यूनिट को। अब कह रहा है कि 7 घंटे, लेकिन पहले 7 घंटे तक वो साथ साथ काम किए, तो फर्स्ट जो 7 आवर है, फर्स्ट जो 7 आवर्स है ये साथ साथ काम करेंगे, तो पहले 7 घंटे में इसकी एफिशिएंसी क्या है, एक यूनिट एक घंटा में, तो 7 घंटे में 7 यूनिट बनाएगा। देखिए एफिशिएंसी का यही फायदा मिलता है कि अब आप इसके साथ खेल सकते हो, जितने भी घंटे का पूछे, 7 घंटे का पूछे आपने बता दिया, एक घंटे में एक यूनिट, 7 घंटे में 7 यूनिट। अब ये देखिए दूसरा, ये भी तो साथ में काम कर रहा है जो बी है, ये तो ए कर रहा, बी भी जो काम कर रहा है विध्वंसक, वो 7 घंटे जो काम कर रहा है, पहला 7 घंटा उसमें क्या किया होगा, देखिए 14 घंटे में अगर 10 यूनिट डिस्ट्रॉय कर रहा है तो 7 घंटे में ऑब्वियसली इसका आधा डिस्ट्रॉय करेगा, 5 यूनिट है कि नहीं, 10 यूनिट 14 घंटे में, तो 5 यूनिट 7 घंटे में, तो यहाँ पर 5 यूनिट आ जाएगा, ठीक है ये डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन फिर भी देखिए कि 7 यूनिट बना, 5 यूनिट डिस्ट्रॉय हुआ, तो 2 यूनिट अभी भी रह गया, बच गया, 2 यूनिट डिस्ट्रॉय होने से बच गया। अब जो बचा हुआ काम है वो केवल अकेले यही करेगा ए, क्योंकि बी तो चला गया ना यहाँ से, 7 घंटे बाद वो चला जाता है, तो बचा कितना, टोटल 10 यूनिट काम था, 2 यूनिट पूरा हो गया, 8 यूनिट काम और बचा है, उस 8 यूनिट को अकेले ये ए करेगा, इसकी एफिशिएंसी हमको पता है कि 1 यूनिट ये 1 घंटे में करता है, 8 यूनिट ये 8 घंटे में करेगा, ठीक है तो पूरा काम हो जाएगा। तो 8 घंटे इस टाइम पे लगा और 7 घंटे पहले ही लग चुके हैं, टोटल आप देखोगे तो 15 घंटे लगेंगे दीवार को बनाने में, सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने समझाने के लिए इतना लिखा है, इस वजह से ये सब टाइम लग रहा है, अगर आप इस चीज को समझ रहे हो तो आप विद इन सेकेंड इनको कर सकते हो, और ये इसी वजह से मैंने 10 मिनट लिया था कि ताकि ये 1 यूनिट आ जाए, या फिर आप इसको 140 भी ले सकते थे इनका एलसीएम, तो भी आसानी से आंसर आ जाता, ठीक है आप मैक्सिमम लोग एलसीएम ही लेते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं कि इसका यूनिट हम आसान बना ले,
कुछ भी आप कर लो आसानी से आंसर आ जाएगा, लेकिन जो तरीका है वो आप समझो कि हमें इफिशियंसी पता होना चाहिए जितने भी लोग हैं उनका, उनकी इफिशियंसी क्या है। ठीक है, आगे है कि 2/3 ऑफ अ मिल्क वाटर मिक्सचर वॉज मिल्क, देर वॉज 21 लीटर ऑफ मिक्सचर, 4 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू इट, द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द न्यू मिक्सचर विल बी। तो ये मिक्सचर का जो क्वेश्चन है ये भी इजी कैटेगरी का देखिए है कि 21 लीटर पहले ही बोल दिया है कि भैया एक मिक्सचर है, उस 21 लीटर में 2/3 भाग दूध है, तो 21 का अगर 2/3 आप करोगे तो कितना आएगा, 14 लीटर आएगा। और वहीं पर अगर हम देखें तो बचा कितना, 1/3 भाग 2/3 भाग तो दूध ही हो गया, 1/3 भाग इस 21 लीटर का क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ठीक है, वाटर यानी 7 लीटर। तो आपको मिल्क पता है, वाटर पता है, यानी ये 14 लीटर है, ये आपका 7 लीटर है। फिर कह रहा है कि यदि इसमें 4 लीटर पानी ऐड कर दिया जाता है, 4 लीटर आप इसमें पानी ऐड कर रहे हो तो ये आपका 11 लीटर हो जाता है, और ये तो उतना ही रह जाएगा 14 का 14 ही लीटर, क्योंकि दूध तो ऐड किया नहीं गया है। अब जो टोटल मिक्सचर हो गया है वो हो गया आपका 14 और 11, 25 लीटर। तो इसमें पूछ रहा है कि बताइए मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना है, तो ये जो 14 है इस 25 का कितना परसेंटेज है। तो आपको सॉल्व करने नहीं बैठ जाना है, ऑप्शन भी कुछ होता है चीज, ऑप्शन देखना है यहाँ पर कि 25 का अगर 50% निकाले हम तो इसका आधा होगा यानी लगभग 12.5, लगभग क्या 50% ही 12.5 होता है, तो ये तो 12.5 से अधिक है 14, इसका मतलब कि ये 50% से अधिक होगा, और ऑप्शन में हमारा 50% से अधिक एक ही ऑप्शन है, ए 56%। ठीक है, यानी कि जो 14 है इस 25 का कितना हो जाएगा, 56%। तो आपको सॉल्व नहीं करना है कि 25 को लगे डिवाइड करने, तुरंत आप देखिए कि 25 से आधा 12.5 से भी अधिक है, यानी कि आधा यानी 50% से अधिक है, तो एक ही ऑप्शन है ए, वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शंस को भी लेकर के चलना होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिबल फ्रैक्शन, अब इनमें से कौन सा एक न्यूनांक है, हिंदी में न्यूनांक लिखा गया, आपको नहीं दिख रहा होगा न्यूनांक। अब जो न्यूनांक होता है अगर हिंदी में आप पढ़ते तो हो सकता है कंफ्यूज रहते हैं ये होता क्या है। पहली बात तो रिड्यूसिबल फंक्शन इसका मतलब है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं कहीं पर हिंदी अच्छा होता है, कहीं कहीं पर इंग्लिश है कि नहीं। तो रिड्यूसिबल फ्रैक्शन कौन ऐसे हैं इनमें से, देखिए जब भी आपको प्राइम नंबर दिख जाए, ठीक है, P/Q अगर इस फॉर्म में है, फ्रैक्शन है, तो प्राइम नंबर दिखते ही आप समझ जाओ कि वो अब रिड्यूस नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात है, क्योंकि वो कटेगा ही नहीं किसी से, तो ये वैसे ही गलत हो गया क्योंकि यहाँ प्राइम नंबर मिल गया, 41-17 प्राइम नंबर मिल गया, खत्म कहानी इसकी। यहाँ पर ये प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन क्या इसको हम रिड्यूस और छोटा कर सकते हैं, क्योंकि ये 13:7 हो जाएगा और ये 3:5 हो जाएगा, कहीं से कोई मेल ही नहीं है, ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सिंपली ये 15×7 यानी 15×7=105 और 16×7=112 यानी 15/16 इसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये आपका रिड्यूसिबल फ्रैक्शन है। तो काफी इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये पता होना चाहिए था कि रिड्यूसिबल फ्रैक्शन क्या है, राइट। अगला देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द नंबर गिवन बिलो इज नॉट रैशनल, तो ये भी नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन है सिंपल है, सिंपली ये आपका क्यूब रूट है, ठीक है 8, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2, जो कि P/Q के फॉर्म में है, और Q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और जो P और Q है ये इंटीजर होने चाहिए, ठीक है, क्या होने चाहिए, इंटीजर, तब ये कहलाता है कि ये रैशनल है। अगर ये सब कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है तो इरेशनल हो जाता है, जैसे ये था 8, इसको हम 2/1 लिख सकते हैं, यानी P/Q के फॉर्म में है, ऐसे ही क्यूब रूट है आपका 64, यानी ये 4 आ जाएगा जो कि P/Q के फॉर्म में है, 64 का अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट, तो ये 8 हो जाएगा जो कि P/Q के फॉर्म में है। लेकिन ये जो अंडर रूट 8 है, इसको ज्यादा से ज्यादा आप 2√2 लिख सकते हो, जो कि P/Q के फॉर्म में तो है, इसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन ये जो P है आपका जो कि 2√2 है, ये आपका इंटीजर नहीं है, ठीक है, ये आपका इंटीजर नहीं है, तो ये आपका इरेशनल हो जाएगा। इंटीजर होना जरूरी है और डिफाइन होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन से फिर इरेशनल नंबर हो जाएंगे, जैसे आपका पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, ऐसे मतलब नंबर्स जिनको आप सिंपली डेसिमल फॉर्म में लिख तो सकते हो, लेकिन वो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होने चाहिए, ठीक है, जैसे √2 हो गया या फिर पाई हो गया। पाई की वैल्यू क्या होती है, ये आपका 1.14142 ऐसे करते हुए फिर आगे ऐसे समथिंग चला जाता है, जो कि रिपीट भी नहीं करता है और टर्मिनेट भी नहीं होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं इरेशनल है। जबकि वहीं पर अगर ये 0.33333 है, तो ये हमारा रिपीटिंग तो है और टर्मिनेटिंग नहीं है, फिर भी ये हमारा रैशनल है, क्योंकि इसको हम 1/3 लिख सकते हैं, ये 0.333 को 1/3 आप लिख सकते हो ना, यही तो हमारा होता है 0.3333, ये P/Q के फॉर्म में है, और ये देखिए P और Q इंटीजर भी है, तो ये तो हमारा रैशनल है। लेकिन ये जो नंबर्स हैं ये हमारे इरेशनल नंबर हैं, ठीक है, जो कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि डेफिनेशन वाइज भी पूछ सकता है, मात्र एक ऐसा केस यानी जो नॉन रिपीटिंग हो, ठीक है, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब
ऐसे ही चलता ये चला जाए, कहीं टर्मिनेट ही ना हो और रिपीट भी ना कराओ, कुछ भी आ रहा है यहाँ पर नंबर, वो हमारा इरेशनल होता है, बाकी सारे रेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको आने वाले जितने भी क्वेश्चन है उनको भी बता सको कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। अब देखिए आगे है कि यदि 3x² + ax + 4 एक्स माइनस फाइव द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो तो ए का मान बताना है, यानी ये परफेक्टली डिविजिबल है, ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया गया है ये यदि एक्स माइनस फाइव से परफेक्टली डिविजिबल है तो ए की वैल्यू बताइए। अब आपसे टीचर ये बोलेगा कि हमको क्या करना है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है, एक्स माइनस फाइव को आप यहाँ पर ऐसे जीरो कर लो जैसे एक्स की वैल्यू फाइव आ जाएगी, और इसको पुट कर दो इस पॉलिनोमियल में, पुट करके भी इसको भी इक्वेशन को जीरो कर दो, उससे जो ए की वैल्यू आ जाएगी हम पता कर लेंगे। तो ये क्यों कर रहे हैं भाई, ये तो बताइए ना आप क्यों कर रहे हो इसको, इसके पीछे रीजन क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। हालांकि वो जानना एग्जाम में जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप जाने रहोगे तो आपको ये भूलेगा नहीं कि हमने क्या किया था। देखिए एक्चुअली क्या है कि ये जो x माइनस फाइव अगर ये इसको डिवाइड कर सकता है, जो लिखा गया है 3x² + ax + 4, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ एक ऐसा फैक्टर होगा जिसका इसमें हम गुणा कर रहे हैं, तो ये हमारी वैल्यू आ रही है। यही तो डिविजन होता है ना, ये 24 है, ये 6 है, अगर इसमें 4 का गुणा करें तो 24 आ रहा है, यानी कि जो 24 है इसको 6 पूरी तरीके से डिवाइड कर सकता है, परफेक्टली डिविजिबल है। यही चीज़ यहाँ पर है कि x माइनस फाइव का किसी चीज़ में हम गुणा कर रहे होंगे तो ये आ रहा होगा, यानी x माइनस फाइव इसका ही एक फैक्टर है, और फैक्टर आप जब फैक्टराइजेशन करते हो तो x के दो रूट्स आते हैं, एक यहाँ पर x का रूट 5 हो गया और एक यहाँ पर कुछ और आएगा वो रूट होगा x का, और जो रूट्स आते हैं जैसे 5 इसको आप इसमें पुट करते हो तो देखते हो इसको जीरो इक्वल यहाँ पर मतलब इसको देखते हो कि ये जीरो आ जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर ऐसा किया जा रहा है कि x माइनस फाइव को हम पहले देख ले रहे हैं कि x माइनस फाइव हमारा अगर जीरो के बराबर है तो x इज इक्वल्स टू फाइव को हम इसमें पुट करेंगे, और फिर इस पूरे इक्वेशन को जीरो के इक्वल पुट करके देख लेंगे कि a की वैल्यू क्या आ रही है। तो पुट कर दीजिए यहाँ पर 3x की वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो 5² यानी 25 प्लस a इंटू 5 और प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो 5a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 75 और 4 79, यानी a इज इक्वल्स टू समथिंग 79/5, जो कि हमारा आ जाएगा 15 × 75 होता है, 4 बचेगा तो 40 यानी 5/40। हालांकि ये माइनस हो जाएगा क्योंकि उधर जाएगा, तो ठीक है माइनस का ध्यान, अगर जरा सा आपने गड़बड़ किया तो गलती हो जाएगा, वैसे ऑप्शन में कहीं प्लस था नहीं तो बच गए, बट माइनस का ध्यान तो जरूर देना आपको। 15.8 माइनस 15.8 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप समझो कि ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि x माइनस फाइव को जीरो के इक्वल पुट करके देख रहे हैं कि x 5 के बराबर हो गया, तो इस 5 को हम इसमें पुट करेंगे x की जगह पे, फिर इसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो रीजन पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द मीन हाइट ऑफ 25 बॉयज इन अ क्लास इज 150 सेंटीमीटर एंड मीन हाइट ऑफ 35 गर्ल्स इन इन द सेम क्लास इज 145 सेंटीमीटर, द कम्बाइंड मीन हाइट ऑफ 60 स्टूडेंट्स इन द क्लास इज अप्रॉक्सीमेटली। तो ये आपका सिंपली एवरेज और मीन का क्वेश्चन है, और बेसिकली वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है कि दो दो आपको मीन दिए गए हैं, कंबाइन करके आपको मीन बताना है, तो इससे ये क्वेश्चन और कुछ हो नहीं सकता है। आपको 25 बॉयज हैं, सबका जो हाइट है उसका मीन हमको दिया है 150, और जो 35 गर्ल्स हैं उनका जो मीन हाइट है वो हमको दिया है 145। मैं गुणा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर दो लड़के हैं, एक लड़के का हाइट है 5 फीट और दूसरे लड़के का हाइट जो है वो है मान लेते हैं हम लोग 9 फीट, ठीक है। तो बताइए दोनों का एवरेज कितना होगा, 9 × 5 = 14 यानी कि 7 फीट, ठीक है। तो मैं इन दोनों को वैसे मान सकता हूँ कि एक दोनों का जो एवरेज हाइट है वो 7 फीट 7 फीट है, 7 फीट 7 फीट दोनों का, और इनको जोड़ोगे तो आप कितना आएगा 14, और इनको भी जोड़ने पर 14 ही आ रहा है। तो वही मैं कर रहा हूँ कि इन 25ों को जोड़ने पर 150 जो है ना, सबकी हाइट 150 है मान ले रहा हूँ, तो सबको जोड़ोगे तो आप 25 का गुणा ही तो कर रहे हो बेसिकली, यानी यहाँ पर जैसे 2 × 7 कर रहे हो 14, वैसे यहाँ 25 × 150 कर रहे हो। तो हाइट अगर एवरेज या मीन हाइट दे दिया आपको 150 सेंटीमीटर, यानी कि वो 25ों के 25ों बॉयज का हाइट अब आप एज्यूम कर सकते हो अगर मीन दे दिया, तो उनका सम जो होगा वो 25 × 150 होगा, और जो गर्ल्स हैं उनके जो मीन हाइट है वो 145 है, तो 3500 गर्ल के हाइट का सम इतना होगा। अब टोटल का हमको जो कंबाइन करके हमको मीन हाइट चाहिए, तो कितने टोटल स्टूडेंट हैं, 25 और 35 मिलकर के 60। तो ये हमारा सिंपली इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पर 5 से काट दो पहले, 7 × 5 = 35, 12 × 5 = 60, तो 15 × 5 = 75, 750 प्लस 7 × 5 = 35, 7 × 28 = 28, 3 = 31, 7 × 7 = 10, और नीचे 12, 1000 है, 700 है, 1750, 10 × 60 = 65, 1765 / 12। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर अप्रॉक्सीमेटली दिया गया है, आप देखोगे कि आंसर 147 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप इसको सॉल्व करके देखना, क्योंकि ऑप्शंस थोड़ा पास पास है, 146, 147,
145 इतने पास पास है कि आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, रैंडमली मत सॉल्व कर देना कि लगभग इतना आ जाएगा, ठीक है। सो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, 147 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। तो वेटेड एवरेज का क्वेश्चन था, आप सिंपली इसको ऐसे कर सकते हो। आगे है कि 750 रुपया इन्वेस्टेड फॉर 3 मंथ्स गिव एन इंटरेस्ट ऑफ 18 रुपीज, वॉट वॉज द सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फिर से क्वेश्चन आया, और ये भी कितना इजी क्वेश्चन है परसेंटेज पे बेस्ड, कि 750 रुपया मनी है, इसको आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अभी ये कुछ नहीं बोला है कि कितने महीने का है या फिर साल का है, बस इतना बोल रहा है कि 3 महीने में जो आपको इंटरेस्ट मिला है वो 18 रुपये मिला है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि 1 मंथ का कितना इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर ये 3 मंथ का 18 है तो 1 मंथ का 6 रुपया हो जाएगा। 12 मंथ का कितना हो जाएगा, 12 मंथ का ये 12 गुणे 6 यानी 72 हो जाएगा, यानी ये पर एनम का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है साल भर का 72 रुपया। तो वही पूछ रहा है व्हाट इज द सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो अगर इसका इसको रेट में आप बदल दो कि ये परसेंटेज में कितना है, ये 72 जो है, ये जो आपने मनी इन्वेस्ट किया है 750, ये कितना है परसेंटेज में, क्योंकि ये पर एनम आप साल भर का आप निकाल लिए हो 12 से गुणा करके, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर। आप इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 750 का 10% 75 होता है कि नहीं। 750 के 10% का मतलब एक पॉइंट लगा दिया करो सिंपली, 75 होता है और ये 72 है, यानी इस 75 से थोड़ा सा ही तो कम है। तो 10% अगर 75 है तो जो 72 है उससे थोड़ा सा कम होगा, यानी 9.6, एक ही ऑप्शन इसके आसपास है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2.4 तो बहुत नीचे है और 12 तो बहुत ऊपर हो गया, तो वैसे ही गलत हो गया। 7.4 थोड़ा सा करीब था, 7.2, बट इतना भी करीब नहीं है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। ये ऑप्शन आंख मूंद करके आप टिक कर सकते थे कि 72 750 का कितना परसेंट है, सॉल्व करने मत बैठना क्योंकि 750 का 10% दिख रहा है 75 है, तो इसे थोड़ा सा कम यानी 9.6% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट आपको सिंपली ऐसा यूज करना है। आगे है कि एक वृत्त पर एक दूसरे पर 75 के कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाओं की एक जोड़ी खींचने के लिए यह आवश्यक है कि स्पर्श रेखाओं को वृत्त की उन 2 त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर खींचा जाए जिनके बीच का कोण डैश है। पहली बार आप इसको पढ़ोगे, दूसरी बार पढ़ोगे तो एक दो बार पढ़ना पड़ जाएगा क्योंकि लैंग्वेज ऐसा लिखा गया है। ये सिंपली कह रहा है कि एक सर्कल है, इस पे टेंजेंट जो 2 टेंजेंट ड्रॉ करा जा रहा है, और जो दोनों टेंजेंट है जहां पर ये इंक्लाइंड कर रहे हैं, ठीक है, जहां पर ये ऐसे इंक्लाइंड कर रहे हैं वो एंगल दिया गया है, वो एंगल है 75 डिग्री, ठीक है। और फिर कह रहा है कि ये इस तरीके से होना चाहिए, इसके लिए आवश्यक है कि जो इसके रेडियस है इनको अगर आप सेंटर से ऐसे मिलाओ, ठीक है, रेडियस, और यहाँ पर ये जो रेडियस है, ठीक है, इनको अगर आप इस जो टेंजेंट लाइन है इनसे आप मिला दो तो इनसे बनने वाला जो फिर से ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर वो एंगल कितना है, ये हमसे पूछा जा रहा है सिंपली क्वेश्चन में। तो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट अब आपको हल्का फुल्का पता होना चाहिए कि जो टेंजेंट आपका है किसी भी सर्किल पर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उसको अगर हम उस पर एक रेडियस ड्रॉ कर दें तो उस रेडियस से बनने वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। मतलब टेंजेंट है ऐसे सिंपली, यहाँ पर ये जो रेडियस आप ड्रॉ करोगे ना तो इसके इसके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री हो गया। ऐसे यहाँ भी तो टेंजेंट ही है तो ये भी 90 डिग्री हो गया। अब आप देखो कि ये जो आपका बन रहा है ऐसे 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 ऐसे, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 भुजाएं हैं, और ये क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल होता है चारों एंगल, ठीक है, θ1 θ2 θ3 θ4, वो सब मिल करके कितना होता है, वो सब मिल करके आपका 360 डिग्री होता है। तो बेसिक सी चीज है, अगर पता है तो आराम से निकल गया कि थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 360 डिग्री माइनस ये जो आपका है 90 90 180 180 डिग्री प्लस 75 डिग्री। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 105 डिग्री, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज ऐसा है कि हो सकता है आपको एक दो बार पढ़ना पड़ जाए, बट देखा जाए तो सही था, ठीक था, मतलब मीडियम में आप या फिर इसको रख सकते हो लैंग्वेज के हिसाब से, अदरवाइज क्वेश्चन तो ईजी ही था। आगे का जो क्वेश्चन है ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही है, ईजी था कि हमको गुणा भाग करना है, तो ये भी क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ, फालतू का समय बर्बादी होगा। मैंने आपको बोला कि इसमें आपको बस प्लस और माइनस ये कहीं आप गड़बड़ ना कर दो और इसको सॉल्व कर लो तो आ जाता है, ये 4th-5th का भी बच्चा कर सकता है, 10th-12th का भी बच्चा कर सकता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है अगेन टाइम एंड वर्क से है कि 2 pipes व्हेन वर्किंग 1 at a time कैन फिल अ सिस्टर्न। देखिए टंकी और पानी का क्वेश्चन है आपका, अगेन टाइम एंड वर्क का है, मैं इसको हिंदी में पढ़ता हूँ सिंपली, कि 2 pipe एक साथ काम करते हुए किसी टंकी को 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरी पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकती है। जब टंकी 1/12 भरी हुई थी तो सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, टंकी को पूरी तरीके से भरने में कितना समय लगेगा। तो ये वही क्वेश्चन है कि अगर एक पाइप है ए नाम है उसका, 3 घंटा उसको भरने में लग रहा है, जैसे बिल्डर दीवार को बना रहा था, बी जो है ये भी बना ही रहा है, मतलब ये 4 घंटे में टंकी को भर रहा है,
और एक सी है पाइप जो कि इस टंकी को खाली कर रहा है, और वो खाली करने में 8 घंटा ले रहा है। ठीक है, तो अब बताना है कि टंकी पहले से अगर 1/12 भरी हुई थी और फिर इन सबको एक साथ खोल दिया गया तो टंकी भरने में कितना टाइम लेगा। देखिए, जो टंकी खाली करने वाला होता है ना, वो हमेशा उल्टा काम करेगा, भरने वाले तो भरेंगे। अब यहाँ भी आप चाहो तो अपने सहजता के लिए इनका कोई एलसीएम ले लो कि इतनी यूनिट की हमारी टंकी है, जैसे 8, 4 और 3 का एलसीएम 24 हो जाएगा, तो 24 यूनिट की टंकी है आपकी ये टंकी। ठीक है, 24 यूनिट की इसी को भरना है। अब यहाँ से देखिए इनकी इफिशियंसी पता चल जाएगी कि अगर ये 24 यूनिट की है तो 3 × 8 = 24, यानी 8 यूनिट ये पर आवर भर रही है, तभी तो 3 घंटे में 24 भर देगी। ये हो गया। दूसरा ये कि ये आपका 6 यूनिट पर आवर हो जाएगा इसका एफिशिएंसी, कि ये 6 घंटे ले रहा, 6 यूनिट भर रहा है 1 घंटे में, और ये खाली करने वाला है। ठीक है, खाली करने वाला कितना है, 3 यूनिट पर आवर, तभी तो ये 1 घंटे में अगर 3 यूनिट करेगा तो आपका 8 घंटे में 24 यूनिट खाली कर देगा, पूरा टंकी खाली कर देगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर 1 घंटे की बात करें, ठीक है, ये 1 1 घंटे का इनका काम है, पहले 1 घंटे की बात करें अगर हम लोग, तो 1 घंटे में क्या काम हो रहा है, 8 और 6 14 यूनिट तो भर रहा है, लेकिन ये 3 यूनिट खाली हो रहा है, इस वजह से इस 3 यूनिट को हम घटा देंगे। ठीक है, 3 यूनिट को, तो टोटल हमारा 11 यूनिट हो गया। ठीक है, 11 यूनिट 1 घंटे में हमारा क्या हो रहा है, भर रहा है। तो ये हमारा एफिशिएंसी हो गया तीनों का मिला करके, कि अगर 1 घंटे के लिए इन तीनों को खोल दिया जाए तो 11 यूनिट ये 1 घंटे में भरेंगे, क्योंकि ये 14 यूनिट तो भर रहे हैं, साथ ही साथ 3 यूनिट ये खाली भी कर दे रहा है उसी 1 घंटे में। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब यहाँ से हमको दिया गया है कि टंकी पहले से 1/12 भरी हुई है। सोचिए कि 24 यूनिट की टंकी है, वो पहले से 1/12 भरी हुई है, यानी 24 का 1/12 कितना होता है, 2 यूनिट, यानी कि ये टंकी 2 यूनिट इतना पहले से भरी हुई है। बाकी जो बचा 22 यूनिट ये भरना बाकी है, और हमने इस पूरी पाइप को एक साथ खोल दिया, तो 1 घंटे में अगर ये 11 यूनिट भर रहे हैं तो ये 22 यूनिट भरने में इनको कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे लगेगा, 22 यूनिट भरने में 2 घंटे लगेगा, तो 2 घंटा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब चीज़ें समझाने की हैं। अगर एक बार आप एफिशिएंसी और ये कि कितना यूनिट हम यहाँ पर रखें जो आसान बन जाए हमारे लिए, ये आप समझ लेते हो तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएंगे। फिर आपसे जो कहा जाता है कि ये ट्रिक होता है, ट्रिक नहीं होता है, तो सॉल्व करने का तरीका है। आप इसको बार बार जब प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप कुछ स्टेप को गायब कर देते हो, वहीं आपका ट्रिक बन जाता है। ट्रिक कुछ होता नहीं है, आप इनमें से कुछ स्टेप्स को गायब कर दो, सॉल्व करते करते इतना प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, वो आपका ट्रिक बन जाएगा। राइट, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, द टू साइड्स होल्डिंग द राइट एंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, द एरिया ऑफ इट्स सर्कम सर्कल विल बी, यानी परिवृत्त का क्षेत्रफल बताना है हमको एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल और सर्कल में आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ताकि आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए। यहाँ पर अगर मैं एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और इसमें भी मैं राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करने का प्रयास करता हूँ, तो राइट एंगल ट्रायंगल एक ही कंडीशन में हम ड्रॉ कर सकते हैं, जब इसका जो हाइपोटेनियस है वो आपका इसके कहाँ पर बनेगा, डायमीटर पर बनेगा। ठीक है, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया, यानी ये आपका एंगल कितना है, 90 डिग्री, और यहाँ पर आपका ये सेंटर है। अब देखिए यही तो इस सर्किल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप इसके डायमीटर पर हो तो इससे आप कोई भी एक ट्रायंगल बना लो, कोई भी ट्रायंगल आप ऐसे बना लो, ठीक है, वो 90 डिग्री ही होगा यहाँ पर, यानी वो राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। इवन एक सर्कल में अगर यहाँ पर ये एंगल एक ऐसे बन रहा है और एक एंगल यहाँ पर ऐसे बन रहा है, तो ये वाला जो एंगल होता है और ये वाला एंगल के बीच रिलेशन यही होता है, ये अगर एक्स है तो ये 2x होगा। जैसे ये 90 है, तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ना, वो क्या होगा आपका 2x, यानी 180 डिग्री, और ये 180 डिग्री है आपका, दिख रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि ये सर्किल का हमको एरिया बताइए। अगर हमको इस राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड्स बताएं, 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 यही साइड्स हो सकते हैं, 3 और 4 ये नहीं हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल में, और 3 और 4 अगर ये होगा तो आपको पता है ये टोटल कितना होगा, ये टोटल आपका 5 होगा, और ये आपका 2.5 2.5 हो जाएगा, क्योंकि ये रेडियस है, और अगर रेडियस आपको पता चल गया आर की वैल्यू, तो आप आसानी से इसका एरिया बता सकते हो। एरिया इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो पाई और 2.5 × 2.5, दैट मीन्स 25 25 है 625, तो 6.25 पाई, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, सो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है, लेकिन हर जगह पे आपको हर चीज़ की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आप इनको टफ के कैटेगरी में रखोगे, पता है तो सब इजी कैटेगरी में हो जाएगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन आपका है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो हमको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का स्क्वायर पता करना है। ठीक है, आपको आई होप कि दिख रहा हूँ, आपको पता करना है ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यूब इसका स्क्वायर। तो ये तो अगर आपने अल्जेब्रा पढ़ा होगा 6 7 8 कक्षा से ही शुरू हो जाता है, तो आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो वही चीजें हैं कि आपको फार्मूला अगर इन सब का पता है तो ईजी है, नहीं तो टफ है।
अब हमको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी, ये तो जरूर आएगा तभी इसकी वैल्यू दिया गया है। और साथ ही साथ ये हो जाता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3ABC, ये होता है फार्मूला। अब इसमें हमको ये जो वैल्यू है देखिए ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है तो इसको जीरो कर दीजिए तो क्या आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू, ये अगर जीरो होता है तो ये पूरे इसको जीरो कर देगा यानी इतने पूरे इतने टर्म को ये जीरो कर देगा तो जीरो हो गया प्लस 3ABC। हमको तो इसका स्क्वायर चाहिए, ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है इसका स्क्वायर चाहिए, दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 9A² B² C² जो कि आपका चौथे ऑप्शन में दिख रहा है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो और भी मजेदार क्वेश्चन होते हैं बशर्ते फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये मैं कहूँगा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आमतौर पर हम ऐसे फार्मूले को भूल चुके होते हैं जब हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, तो है कि नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन रेशियो पर बेस्ड है कि देर आर सैपलिंग ऑफ 361 मैंगो ट्री एंड नीम ट्री इन अ गार्डन, यानी एक बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे लगाए जाते हैं, यदि आम और नीम के पौधों का अनुपात 8:11 है तो बगीचों में नीम के कितने पौधे लगाए गए हैं, तो कितना इजी क्वेश्चन है। टोटल जब दे ही दिया है 361, रेशियो में भी बांट दिया 8:11 है, ठीक है, किसको किसको बांटा है, मैंगो ट्री और नीम के ट्री। पूछ रहा है हाउ मेनी नीम ट्री ट्री सैपलिंग्स आर इन द गार्डन, ये वाला हमको बताना है। तो कितना ईजी है यार, मतलब 8:11 19 होता है ना टोटल, अगर आप इस रेशियो वाइज देखोगे तो 19 है जबकि रियल में 361 है, तो एक कितने के बराबर हो जाएगा 361/19, तो ये 11 नीम किसके बराबर हो जाएंगे, इसके बराबर हो जाएंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे आपका आ जाएगा 209, ठीक है, तो सिंपली फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो मुझे पता है ये सबको आता है तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आसानी से आपका आंसर आ जाता, 209 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे भी देखिए आपका सिंप्लीफिकेशन ही है, तो तीन तीन क्वेश्चन तो आपको सिंप्लीफिकेशन के दिख गए जो कि आसानी से आपको नंबर दे सकते थे, तो ये भी क्वेश्चन आपको केवल जोड़ना घटाना यही सब करना है, आप इसको कर लीजिए आराम से, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका अगेन टाइम एंड वर्क से, लेकिन ये जो क्वेश्चन बनाया गया था ना एग्जाम में, हम समझते हैं कि ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था, भले ही ये इजी क्वेश्चन आपको लग सकता है या फिर सॉल्व करने के बाद लग जाए, लेकिन पहली बार पहली नज़र में जो इसको पढ़ेगा एक बार, चाहे वो कितना भी बड़ा मैथमेटिशियन क्यों ना हो, एक बार के लिए तो जरूर कन्फ्यूज होगा और सोचने पर मजबूर होगा, और कम से कम 3-4 मिनट तो समय लेगा ही, या 4 से 5 मिनट का समय लेगा इसको सॉल्व करने में, कन्फर्म है, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना अच्छा था, और जो कहता है कि मैं पहली बार लाइव कर रहा हूँ इसको सॉल्व, वो बेवकूफ़ बना रहा है टीचर आपको, जैसे मैं यहाँ पर देखिए आपको सॉल्व करके ही बता रहा हूँ, तो टीचर सारे ऐसे सॉल्व कर लेते हैं एक बार तब आते हैं आपके स्क्रीन पर, लेकिन ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि लगता है वो पहली बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और सॉल्व कर दिए, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि शरण और मयूख एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त करते हैं, परंतु मयूख किसी कार्य को अकेले करता है और एक तिहाई कार्य पूरा करके काम छोड़ देता है, इसके बाद शरण कार्य को अकेले पूरा करता है, इस प्रकार दोनों मिलकर कार्य को 40 दिन में पूरा कर पाते हैं, लेकिन कह रहा यदि मयूख शरण से ज्यादा तेजी से कार्य कर लेता तो शरण अकेले कितने दिनों में पूरे कार्य को समाप्त करता। तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से है कि ये शरण हो गया और ये मयूख, दोनों अगर एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं तो उस काम को ये 18 दिनों में ही खत्म कर देते हैं, यानी अगर मैं मान लूं कि 18 यूनिट काम हो रहा है, ठीक है 18 यूनिट, तो इनकी जो इफिशियंसी आ जाएगी शरण और मयूख की वो कितनी हो जाएगी, इफिशियंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इफिशियंसी किसी भी चीज की निकालना, ये वर्क अपन टाइम होता है, तो वर्क 18 यूनिट है और टाइम भी 18 दिन है, यानी 1 यूनिट पर डे इनका हमको निकल के आ गया इफिशियंसी। अब लेकिन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि परंतु मयूख इसी कार्य को अकेले करता और एक तिहाई कार्य पूरा करके काम छोड़ देता है, मयूख यहाँ पर है और एक तिहाई कार्य, टोटल 18 यूनिट, मैंने जानबूझकर 18 यूनिट लिया, कुछ भी ले सकते हो, सिंप्लिसिटी के लिए मैंने 18 यूनिट लिया है, तो इस 18 यूनिट का एक तिहाई काम मयूख का अकेले कर रहा है, यानी कि 6 यूनिट काम, इसका एक तिहाई 6 यूनिट हो गया और बाकी बचा 12 यूनिट ये शरण करेगा। तब अगर ये ऐसा करते तो ये पूरे काम को 40 दिन में निपटा देते, ठीक है 40 दिन में। अब देखिए दिन आपका कैसे आएगा, ये टाइम है, टाइम टाइम आपका होता है सिंपली वर्क अपॉन इफिशियंसी, तो हमको वर्क तो मिल गया 12 यूनिट और 6 यूनिट, अपॉन इफिशियंसी हमको लिखना है, ठीक है, अगर इनको हम सम कर दे तो यही 40 दिन में ये दोनों मिल करके काम कर रहे हैं, तो इन दोनों को मिला करके जो इफिशियंसी है वो 1 है, ठीक है 1 यूनिट पर डे। तो एक इफिशियंसी में मान लेता हूँ एक्स, जिसका हमको निकालना है कि शरण अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा करता है, तो शरण की इफिशियंसी अगर मैं एक्स मान लेता हूँ तो मयूख की अपने आप जो इफिशियंसी होगी 1/1 - x हो जाएगी। अब देखिए मतलब वर्क अपॉन इफिशियंसी है टाइम, वर्क अपॉन इफिशियंसी है टाइम, और ये भी टाइम है आपका, यानी ये जितना टाइम ले रहा है ये जितना टाइम ले रहा है ये दोनों मिल करके 40 दिन का समय लेंगे, अगर ये एक तिहाई काम करेगा ये 2/3 काम करेगा, तो
अब यहां से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो इसको सॉल्व करके, ठीक है। आप इसको सिंपली सॉल्व कर लो तो यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सिंपली एक्स की दो दो वैल्यूज आएंगी, एक आपका 0.4 आएगा, एक आपका 0.75 आएगा। यही तो क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग चीज दिया था कि अगर एक्स 0.4 आ गया और 0.75 तो कौन सी वैल्यू हम एक्स की रखें। यहां पर बोला है ना कि मयूख सरण से ज्यादा तेजी से कार्य करता है, यानी मयूख ये वाला है और सरण ये वाला जिसकी एफिशिएंसी एक्स है। तो मयूख तेजी से काम तब करेगा जब एक्स की वैल्यू हम 0.4 रखेंगे, तभी तो मयूख की एफिशिएंसी 0.6 हो जाएगी। तो जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा वो ज्यादा तेजी से कार्य करेगा, जिसकी एफिशिएंसी कम वो कम एफिशिएंसी से काम करेगा। तो इस वजह से हम 0.4 यहां पर वैल्यू को रखेंगे, ठीक है, यानी इसकी एफिशिएंसी 0.4 ही हम लेकर के चलेंगे जो सरण की एफिशिएंसी है, तब ये पॉसिबल होगा ये इक्वेशन जो इस क्वेश्चन में बोला गया है। लेकिन अब हमसे लास्ट में तो ये पूछा है कि अगर ऐसा होता कि मयूख सरण से ज्यादा तेजी से कार्य करता तो सरण अकेले अकेले बात हो रहा है कितने दिनों में पूरे काम को समाप्त करता, यानी पूरा काम आपका 18 यूनिट है और हमको सरण की एफिशिएंसी एक्स पता चल चुकी है 0.4, ठीक है, ये सरण की एफिशिएंसी है, पूरा काम आपका 18 यूनिट है, बताइए इसको कितने दिन लगेंगे सरण को इस काम को पूरा करने में। तो आपका वर्क अपॉन टाइम, सॉरी एफिशिएंसी जो है 0.4, यही हमारा टाइम लग जाएगा, कितना टाइम लगा इसको आप काटोगे तो ये सिंपली 45 डेज आ जाएगा, ठीक है। तो इतना दिन लगेगा अगर ये अकेले काम करता और इतनी की एफिशिएंसी से करता, 45 दिन, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था और अच्छे अच्छे लोग इसमें जरूर एक बार कंफ्यूज हो जाते। ये क्वेश्चन आपको दिया गया था टाइम वेस्ट करने के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन को आप देख करके तुरंत स्किप कर दिया करो, क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिशियन बनने की जरूरत नहीं है कि आप मैथमेटिशियन बनने लगे, नहीं मैं तो करूंगा ही करूंगा, ये क्वेश्चन पढ़ने में ही टाइम लग जाएगा आपको, फिर उसके बाद आप करोगे तो इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप इसको स्किप कर दो, टाइम मिले बाद में तो करो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है इस एक नंबर की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका डीआई से है जो कि इंग्लिश में ही है, हिंदी वाला मैंने हटा दिया क्योंकि ज्यादा जगह ले रहा था। इसमें पूछा गया है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 10 सेक्शन ए एंड बी हु हैड टेकन मिड टर्म एंड फाइनल टर्म एग्जाम, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए इज। तो हमको सिंपली परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट सेक्शन ए में कितने हैं पूरे में से वो बताना है, और इनके क्लास 10 का ये सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, और यहाँ पर ये रिजल्ट्स इनके दिए गए हैं कि कौन कौन मिड टर्म और फाइनल एग्जाम दोनों में फेल हैं, कौन कौन दोनों में पास हैं, कौन मिड टर्म में फेल है फाइनल में पास है, कौन मिड टर्म में पास है फाइनल में फेल है, ये दिया गया है। तो सेक्शन ए की वैल्यूज हमको दी गई हैं कि 28 ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं और 64 ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं, मिड टर्म और फाइनल की बात हो रही है, और 14 ऐसे हैं जो फेल हैं मिड टर्म में लेकिन पास हैं फाइनल में, और 6 ऐसे हैं जो मिड टर्म में तो पास हैं लेकिन फाइनल में फेल हैं। तो टोटल सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट हो जाएंगे ये आपके सामने है, 28, 14, 6 और 64, यानी आपका 64 और 6 70, 70 10 80 4 84, 84 20 100, 104 और 108 112, टोटल 112 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेक्शन ए में हैं, और हमको टोटल में से ये बताना है कि ये कितना परसेंटेज है सेक्शन ए का। तो टोटल निकाल लेते हैं, ऐसे ही सेक्शन बी में आप देख सकते हो कितने हैं, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा सिंपली 5 7 12 2 14 3 17 और यहाँ पर 2 1 3 1 4 5 9 1 10 107, और ये टोटल 112 और 107 मिलकर के 219 हो गया। इस 219 में से 112 इसका कितना परसेंटेज है यही हमको बस बताना था इसमें। यहाँ पर भी जो ऑप्शन है वो आपको इतने करीब करीब गिवन है कि आपको इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो आप रिस्क मत लीजिए, इसमें सिंपली आप इसको डिवाइड करके देख लो कि कितना आ रहा है, ठीक है। तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि 51.1 समथिंग आएगा, तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है जो थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन सिंपली हमको परसेंटेज बताना था तो कौन सी बड़ी बात हो गई, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके रहे इस शिफ्ट के क्वेश्चन, आई होप कि ये आपको ठीक लगा होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपको समझाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जा रहा है, अदरवाइज सारे के सारे क्वेश्चन एक मिनट के ही हैं या ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट के हैं, ठीक है। और मैथमेटिक्स में ही आपका टाइम ज्यादा लगता है, बाकी में आपको टाइम बचाना होता है। तो ठीक है, फिर चलिए मिलते हैं अगले शिफ्ट के अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।